हल्द्वानी के बंद भूलपुरा कर्फ्यू ग्रस्त इलाके के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार हल्द्वानी में ऐसी हिंसा देखी है। जी मीडिया की टीम ने उस होटल के मालिक से बात की जहां 17 से 20 यात्री फंस गए। बनभूलपुरा के किदवई नगर इलाके में समय मौजूद हैं जहां पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है और ऐसे में जो लोग रह रहे हैं तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, तो ऐसे में क्या दिक्कतें आ रही खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जिनके बोर्ड या प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। हमारे साथ अनाबिया हैं जो यहीं पर रहती हैं। अनाबिया, आप 10th में हैं, पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? जी, मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है 10th में। अच्छा, ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को अभी? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नेट की ही आ रही है क्योंकि इस टाइम हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम्स होने वाले थे बोर्ड के, और बुक्स से हमें पता नहीं होता है कि बुक्स में से क्या आएगा क्या नहीं, सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करते हैं। और जब से स्टार्टिंग हुई है तो मैं नेट से ही पढ़ी थी, सब कुछ नेट से हो रहा था, लेकिन अब जब नेट ही नहीं है तो ना सैम्पल पेपर्स है, फिर कर्फ्यू है तो कोई आ जा नहीं सकता, ट्यूशन क्लासेस नहीं है, स्कूल बंद है, तो अभी स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल हो नहीं पा रहा है कुछ भी, ना नेट चल रहा है, ना किसी से कांटेक्ट ही नहीं है, तो हम पढ़ नहीं पा रहे। और स्कूल का भी कोई अता पता नहीं है, कोई मैसेज नहीं है स्कूल से भी। बस एक मैसेज आया था लास्ट कि स्कूल गवर्नमेंट के नेक्स्ट ऑर्डर्स तक खुलेंगे, तब तक के लिए अब कोई पता नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या आपका कोई पेपर शेड्यूल था या कुछ प्रैक्टिकल्स थे जो जिसके लिए आपको जाना है बाहर? नहीं, बाहर तो नहीं जाना क्योंकि हम 10th में, तो हमारे प्रैक्टिकल स्कूल में ही होते हैं, बट वो मेरा अभी 12th को IT का प्रैक्टिकल था, बट अब वो नहीं हो सकता, वो पोस्टपोन्ड हुआ है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता क्योंकि स्कूल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। अनाबे के पिताजी भी हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताइए। फैसल कहते हैं। और पढ़ाई को लेके इन लोगों की परिस्थिति को देख के हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से इंटरनेट को कम से कम बहाल किया जाए ताकि किसी तरह से बच्चे अपना पढ़ाई में मन लगा सके, क्योंकि हम लोग जा नहीं सकते कहीं, कहीं से कोई अरेंज नहीं कर सकते। हम घर से, आज मैं पहली दफ़ा कर्फ्यू के बाद आज सीने से नीचे उतर के आया हूँ। हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, किसी तरह का रूल्स नहीं तोड़ रहे हैं। बस रिक्वेस्ट हमारी यही है कि किसी भी तरीके से आप इंटरनेट को बहाल कराएं। तो आपको बता दें कि इंटरनेट सेवाएं बाधित है जिसकी वजह से छात्रों को काफी दिक्कत है क्योंकि एग्जाम सिर पर आ चुके हैं और आपने छात्रों का दर्द जान भी लिया है।